किसी भी कैनेडियन शोरूम से अगर आप विंटर जैकेट लेते हैं तो कम से कम आपको $200 से $300 तक की पड़ सकती है। इनफैक्ट विंटर शूज भी आपको $200 अबव ही पड़ेंगे। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप अंडर $100 शूज और जैकेट ले सकते हैं। इनफैक्ट आपका पूरा टोटल कॉस्ट ऑफ विंटर किट वुड बी एनीथिंग अराउंड $250 to $300। कैसे, चलिए देखते हैं। सो गाइस, हमने अपनी शॉपिंग अगस्त में ही शुरू कर दी थी क्योंकि हमें पता था अक्टूबर नवंबर आते ही सीजन आ जाएगा और चीजें काफी एक्सपेंसिव हो जाएंगी और जितने भी सेल्स वगैरह लगी होती है उसमें ना स्टॉक और कम हो जाता है और साइज भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट स्टार्ट अर्ली। अब हम गए तो बहुत जगह थे लेकिन हमें वो मटेरियल नहीं मिला जो हमें चाहिए था, यानी कि -30 डिग्री एटलीस्ट जो जैकेट है वो हो, कम से कम ब्रीदेबल हो, वाटर प्रूफ हो, विंड प्रूफ हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली करीब $150 से $200 के बीच में हो, ये हमारा टारगेट था। सो हमने काफ़ी सारे ब्रांड्स एक्सप्लोर करे, जैसे हडसन बे में हम गए थे, मार्क्स में गए थे, अंडर आर्मर गए थे, एडिबार गए थे, कोलंबिया गए थे, टिम्बरलैंड भी गए थे। सो वी वेंट थ्रू ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स फॉर बोथ जैकेट्स एंड शूज, लेकिन हमें थोड़ा सा लगा कि यार हर चीज़ $200 या $150 या $250 के भी ऊपर आ रही थी, तो इट वॉज नॉट समथिंग दैट वी वॉन्टेड। हमें कहीं ना कहीं आइडिया था कि अंडर 500 हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं, हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम उससे भी और नीचे जा सकते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो वी केम अक्रॉस दिस जेम ऑफ अ प्लेस कॉल्ड माउंटेन वेयर हाउस। अब माउंटेन वेयर हाउस आपके घर से कितना पास है या आप उनकी वेबसाइट पे जाके स्टोर लोकेशन के थ्रू देख सकते हैं। सो इट्स गोना बी क्वाइट इजियर फॉर यू, या तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ चलो घर पे ही टेस्ट वेस्ट कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जहां पे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वहां पे डेफिनेटली जाएं, आपकी आउटिंग भी हो जाएगी और आपके पास काफी सारे ब्रांड्स भी रहेंगे कंपेयर करने के लिए। एंड दीज आर ऑल आउटलेट ब्रांड्स, सो ये एग्जैक्टली शोरूम नहीं है जिसमें आपको एमआरपी पे सब कुछ बिकेगा या आपको हमेशा फ्रेश स्टॉक ही मिलेगा। ये आउटलेट्स हैं जहाँ पे हर फ्राइडे, हर ट्यूसडे या वट एवर द डे इज फॉर देम, हर बार नया का नया उनके पास माल आता है एंड दे सेल इट ऑफ एटलीस्ट एट 30, 50, 60% डिस्काउंट। तो जी, जगह का नाम है टोरंटो प्रीमियम आउटलेट। अब ये है अराउंड हेल्टन हिल्स में, जिस नियर जॉर्ज टाउन। अब यहाँ से जाने के लिए आप अगर ब्रैम्पटन में हैं या फिर आप वॉन में हैं तो आपको काफ़ी पास पड़ेगा, लेकिन मिसिसागा, मार्कहम, जैसे हम मार्कहम में हैं, या अगर आप हैमिल्टन में हैं तो आपको काफ़ी काफ़ी दूर पड़ सकता है। सो अगर आप जा सकते हैं आप एक बार अपना रूट डेफिनेटली चेक कर लीजिए। हालांकि यहाँ पे गो ट्रेन डायरेक्ट जाती है, अराइव्स एट माउंट प्लेजेंट गो। माउंट प्लेजेंट से आप गो बस कर सकते हो या डायरेक्ट कैब कर सकते हो, वैसे गो बस डायरेक्ट जाएगी नहीं माउंट प्लेजेंट से, सो यू हैव टू डू अ कैब और वो फिर आपका एडिशनल खर्चा आ जाएगा वहां पर लोकेशन तक पहुंचने के लिए। सो आप वो देख लीजिए। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, मिसिसागा में एक जगह है कॉल स्क्वायर वन जहां से गो बसेस और बाकी बसेस भी जाती हैं, तो स्क्वायर वन से आप गो बस पकड़ सकते हैं, वो डायरेक्टली आपको इस लोकेशन पे पहुंचा देगी। सो इन केस इफ यू लिव क्लोज बाय मिसिसागा और स्क्वायर वन और यू कैन ट्रेवल टू स्क्वायर वन, दिस रूट इज हाईली रिकमेंडेड। और यहाँ पे आके आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, अंडर आर्मर्स, चाहे स्पोर्ट्स का ले लो, कोलंबिया ले लो, माउंटेन वेयर हाउस ले लो, इवन प्राडास अवेलेबल, एंड इनफैक्ट काफी लंबी लाइन लगी होती है वहां पे लोगों की क्योंकि सब कुछ यहाँ पे डिस्काउंट में मिलता है। सो अगर आप चाहते हो आना तो आप आ सकते हो, अपने फैमिली के साथ जा सकते हो, एक आउटिंग भी आपकी हो जाएगी एंड ऑफकोर्स यू कैन गेट ऑल दीज क्रेजी ब्रांड्स एंड यू कैन गेट सम अमेजिंग रियली गुड डिस्काउंट्स। तो जी, अब आते हैं हम सीधा मेन टॉपिक पे और माउंटेन वेयर हाउस पे। अब यहाँ पे जॉर्ज टाउन में हॉल्टन हिल्स में हम ऑलरेडी 2 बार विजिट कर चुके हैं। हम पहली बार विजिट करने गए थे तो हम ऐसी जस्ट अराउंड द ब्लॉक गए थे, हमें पता भी नहीं था, हम आई थिंक गलत उतर गए थे, हम माउंट प्लेजेंट गो पे उतर गए थे, वहां से गो बस करी, फिर वहां से हमने कैब करी, तो काफी लंबा हमें पड़ गया था। द सेकेंड टाइम वी वेंट वी ऑब्वियसली वेंट थ्रू स्क्वायर वन मिसिसागा एंड इट काइंड ऑफ मेड मोर सेंस फॉर अस टू गो थ्रू दैट रूट। एंड गूगल मैप भी कभी कभी दिक्कत करता है, तो आप वही आपको जैसे बताया कि थोड़ा संभाल के देख लेना कि आपका रूट कहाँ पड़ता है। सो जस्ट मेक श्योर दैट द रूट इज सुटेबल फॉर यू, क्योंकि ये जगह हमें कम से कम यहाँ पे जाने के लिए 2 घंटा लग जाता है वन वे। सो पहले ही विजिट में मैंने अपने लिए जैकेट ले ली विच वॉज समवेयर अराउंड $160 वो दिखा रहा था, लेकिन -60 की थी। अब वो थी तो डबल एक्सेल, लेकिन मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, लेयरिंग करेंगे तो शायद थोड़ा मोटा हो ही जाएगा, तो मैंने फिर भी ले ली। अब काउंटर पे जब गए तो वहां जाके पता चला कि जी $160 पे फर्दर डिस्काउंट है, तो मेरे को $40 और ऑफ मिल गए। तो मेरी -60 की ब्रीदेबल जैकेट विद विंड प्रूफ
वाटर प्रूफ, सब प्रूफ, मेरे को $129 में मिल गई वो। इनफैक्ट आई वॉज सो सो शॉक्ड कि यार मेरे को 150-200 में मान के चल रहा था, मेरे को 129 में पूरी की पूरी जैकेट मिल गई। तो जी आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि भाई लक काम कर गया यहाँ पे हमारा फाइनली। और हाँ, यहाँ पे जैकेट्स के अलावा यू विल फाइंड 3-in-1s एज वेल, विच आर वेरी वेरी एसेंशियल। तो अगर आप देख रहे हैं जैकेट्स के अलावा कुछ और भी, तो आपके पास कैप्स, वुलन कैप्स भी मिल जाती हैं आपको यहाँ पे। यू विल गेट योर लेगिंग्स, यू विल गेट योर इनर्स एज वेल। सो इट्स अ डेफिनेटली गो शॉप, डेफिनेटली मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा विंटर का। इनफैक्ट जो 3-in-1 जैकेट्स हैं वो आपकी करीब $60 से स्टार्टिंग रेंज है, विच इज क्वाइट डिसेंट, क्योंकि आप उसको कभी भी निकाल भी सकते हो अगर आपको ज्यादा ज्यादा गर्मी लग रही है तो। एंड इट्स वेरी वेरी फ्लेक्सीबल, राइट? सो माउंटेन वेयर हाउस इज समथिंग दैट आई रिकमेंड फॉर श्योर। तो कई जैकेट तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप दूसरे शोरूम्स भी आप ट्राई करना चाहते हो तो मैं हाई रिकमेंड करूंगा आप मार्क्स पे जा सकते हो, आप कोलंबिया भी जा सकते हो, यहाँ पे आपको जैकेट्स मिल जाएंगी। हम हडसन बे भी गए थे, हडसन बे में कम से कम $250 की हमें जैकेट मिली थी। और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेरी जो जैकेट पड़ी थी 100 से $129 की मेरे को पड़ी है, राइट? इनफैक्ट इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज कि जो मेरी वाइफ की जैकेट जो पड़ी है वो उनको सिर्फ $80 की पड़ी है, विंटर जैकेट -30 डिग्रीज की। उसके बारे में अभी डेफिनेटली आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू द एंटायर ब्रेकडाउन कि मेरे को कितने पड़ा, उनको कितने का पड़ा। बट इन केस इफ यू डोंट फाइंड इट फ्रॉम माउंटेन वेयर हाउस, मेक श्योर यू कैन फाइंड इट ऑन कोलंबिया, मेक श्योर यू कैन ऑल्सो गो टू मार्क्स, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट कॉस्टको में भी काफी विंटर जैकेट्स मिल जाती हैं। हमने खुद ली है, एक और एक्स्ट्रा जैकेट ली है कॉस्टको से, अराउंड $59 की हमें पड़ी है, विच इज वेरी वेरी वॉर्म। अब अगर शूज की बात करें तो माउंटेन वेयर हाउस में हो सकता है आपको जूते अपने ढंग के नहीं मिले या आपके साइज के नहीं मिले, सो यू कैन गो टू कोलंबिया, यू कैन गो टू द शू कंपनी, यू कैन गो टू मार्क्स एंड यू कैन गो टू कैट। सो ये सारी कंपनीज हैं, आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे भी ना मिले तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड स्पोर्ट्स ट्रैक करके, राइट? जस्ट गो लॉग ऑन टू दैट वेबसाइट, आप वहाँ पे आपको सोरल वगैरह के भी डिस्काउंट पे जूते मिल जाएंगे, अगर डिस्काउंट चल रहा होगा तो ऑब्वियसली। एंड दीज आर इनफ, अगर आप इनको गो थ्रू कर लेते हो तो आपको सब कुछ, अपना सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इनफैक्ट वुलन कैप्स वगैरह भी ये सारे ब्रांड्स बेचते हैं। तो चलिए अब विंटर किट का कॉस्ट ब्रेकडाउन कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेरे से। अब मैंने विंटर जैकेट तो $129 में ले ली थी माउंटेन वेयर हाउस से। विंटर शूज़ मैंने सोरल के लिए, सोरल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, इस पर कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं था अनफॉर्चुनेटली। ये मैंने वेबसाइट से बुक करे, sportscheck.com से, एंड आई गॉट इट फॉर अराउंड $160। एड ऑन्स की बात करें तो अराउंड $85 के एड ऑन्स में हमने कैप, सॉक्स और ग्लव्स की किट ली, विच कॉस्ट अस ओनली $25, स्वेटर $20, इनर $20। तो टोटल जो मेरा विंटर जैकेट और शूज़ को ही मिला के अराउंड $289 का खर्चा आ गया था, जिसमें कुछ एडऑन्स मैंने अलग से लिए। अब अगर आप इनर और स्वेटर या हुडीज़ अगर आप इंडिया से लेकर आ रहे हैं तो आपको शायद इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इनको हमने एडऑन्स में रखा है। अब बात करते हैं केडी की। केडी ने विंटर जैकेट ली थी अपनी $79 की, शी बॉट इट फ्रॉम माउंटेन वेयर हाउस इटसेल्फ। उनको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया था, अप टू 50% का, और जूते में भी मिल गया था उनको अराउंड 60% का डिस्काउंट, विच शी गॉट फॉर ऑलमोस्ट $50। एडऑन्स की बात करें तो शी ऑल्सो गॉट द कैप, सॉक्स एंड ग्लव्स किट फॉर $25। सो शी ऑल्सो गॉट अ 3-in-1 जैकेट फॉर $150। 3-in-1 जैकेट में बेसिकली लेयरिंग होती है, एंड उसका बेस्ट पार्ट ये रहता है कि अगर आप कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो और कभी ज़्यादा ठंड होती है या गर्मी होती है, उसके हिसाब से आप लेयर एडजस्ट कर सकते हो। हुडी उन्होंने $20 की ली, स्कार्फ अराउंड $30। तो अराउंड $120 में उनका विंटर जैकेट और विंटर शूज़, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं विंटर शॉपिंग के, वो तो उन्होंने ले लिए थे। एड ऑन्स में उन्होंने कुछ अपना एडिशनल ले लिया है, मेनली 3-in-1 जैकेट उनको काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, बिकॉज इट लिटरली कॉस्ट ट्वाइस ऑफ अ विंटर जैकेट, बट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट एंड हाईली रिकमेंडेड। अब बात करते हैं रिकमेंडेड पैकेज का। अब ये हमने एक स्पेसिफिक पैकेज बनाया है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमने तो चलो अपने हिसाब से ले लिया हमें जो पसंद था, बट आपको एक यूजुअली कितने तक का क्या आइटम मिल सकता है। विंटर जैकेट्स दे स्टार्ट एट समवेयर अराउंड $70 to $80। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपका लार्ज साइज़ है, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इन स्टॉक, लेकिन वो आपको इस रेंज में मिल जाएगा अगर आप एक राइट आउटलेट जाओगे। जो भी हमने आपको वीडियो में रिकमेंडेशंस दी हैं, जस्ट चेक इट आउट, आपको विंटर जैकेट वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि शोरूम्स आपको 200 से नीचे नहीं देते। विंटर शूज़ आपको $70 मिल जाएंगे। विंटर शूज़ मैंने $50 नहीं लिखे हैं बिकॉज
वुमेन के कंपेरेटिवली थोड़े से चीपर होते हैं मेन से, लेकिन विंटर शूज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि इस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सो अराउंड 70 to 80 dollars में आपको काफ़ी अच्छा विंटर शूज़ मिल सकता है ब्रांडेड कंपनी का। वुलन कैप, सॉक्स और ग्लव्स की किट डेफिनेटली आप लीजिए, अराउंड 20-25 dollars की आपको ये पड़ जाती है, एंड यू कैन फाइंड इट एनी वेयर, नॉट ओनली इन माउंटेन वेयर हाउस। तो अगर हम एडॉन्स की बात करें तो एडॉन्स में व्हाट आई रिकमेंड इज़ अ स्वेटर एंड अ हुडी कॉम्बो जो $20 ईच का आएगा। अगर आप इंडिया से लेकर आ रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। 3-in-1 जैकेट डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आपके पास विंटर जैकेट एक ले रहे हैं, आपको ऑल्टरनेटिव चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं कि यार एक विंटर जैकेट से हमारा नहीं हो पाएगा, हमें चेंज भी करना होता है। सो 3-in-1 जैकेट इज समथिंग दैट आई हाईली रिकमेंड। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं या गाड़ी में हैं तो आपके बहुत काम आ सकती है। इनर $20 का आपको पड़ेगा। सो अराउंड $165 में आपका जैकेट, शूज़ और ग्लव्स का किट आ जाएगा। एडिशनली आप क्या लेते हैं, कितना लेते हैं, कितनी क्वांटिटी में लेते हैं, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। सो गाइस, आई सिंसियरली होप कि आपको इस कंपैरिजन में एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस रेंज से किस रेंज तक आपको अच्छा मटेरियल मिल सकता है। जैकेट, शूज़, ग्लव्स, हुडी, स्वेटर, इनर, सब कुछ मिला के अब आपके ऊपर ये है कि आपने कितनी जैकेट्स लेनी है। सो अगर आप न्यू कमर हो, मैं आपको हाईली रिकमेंड यही करूँगा कि एक किट आप डेफिनेटली ले लीजिए, एंड मे बी यू नो डाउन द लाइन व्हेन यू मे बी गेट अ जॉब देन यू कैन ऑप्ट फॉर अनदर किट एज वेल। बट मेक श्योर दैट यू आर परचेजिंग इट फ्रॉम द राइट प्लेस एंड द टाइमिंग इज़ ऑल्सो राइट, एंड बाई टाइमिंग आई मीन समवेयर अराउंड अगस्त सेप्टेम्बर में अगर आप शॉपिंग करते हैं तो इट्स गॉन बी वेरी गुड फॉर यू। अगर आप उसके बात करते हैं तो डेफिनेटली वॉच आउट फॉर ब्लैक फ्राइडे एंड ब्लैक फ्राइडे डील्स, उसमें आपको हो सकता है कि इससे भी सस्ता मिल जाए। तो जी, ये था पूरा काला चिट्ठा हमारा जो हमने शॉपिंग करी है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने 200-250 डॉलर, तो क्या उससे भी काफ़ी कम में हमने शॉपिंग कर ली थी। हाँ, हमने एडिशनल काफ़ी चीज़ें ली हैं तो वो हमने अपनी लिस्ट में ऐड नहीं करा, बिकॉज वी विल कीप ऑन बाइंग। जैसे कि ये तो हमने सिर्फ एक ही सेट लिया है, राइट? अब इसके बाद क्या है कि अगर आप विंटर पैंट्स लेना चाहते हो, विच आर समटाइम्स वाटर प्रूफ एज वेल, राइट? सो उसके लिए आप एडिशनल खर्चा भी कर सकते हो जितना मर्जी आप चाहो। अगर आप घर से गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी से आप ऑफिस जा रहे हो, कहीं पे भी आप गाड़ी से जा रहे हो, तो आपको इतना जरूरत नहीं पड़ती। यू कैन इवन सर्वाइव विद, इफ इट्स योर फर्स्ट विंटर, यू कैन सर्वाइव विद जस्ट वन किट। अगर आप गाड़ी में, आपको इतनी मोटी मोटी जैकेट की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको बस घर से बाहर निकलना है एंड यू आर डन। बट अगर आप ज़्यादा चलते हो तो देन यू हैव टू कंसिडर समथिंग लाइक दिस। सो जहाँ पे आपको 300-500 डॉलर में पूरी की पूरी किट मिल रही थी, हमने उसको डिवाइड करने की कोशिश करी है आपके लिए कि आपको ज़्यादा खर्च करना ना पड़े। 150-200-250 डॉलर तक आपका एक किट पूरी रेडी हो जाए, ताकि अगर आप $500 का बजट भी बनाते हो कभी, लाइक आफ्टर यू नो वर्किंग पार्ट टाइम और फुल टाइम, वट एवर, देन यू कैन गेट टू किट्स इन $500। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आई सिंसियरली होप कि इसमें से आपकी कुछ हेल्प हो जाए। अगर हमसे कुछ छूट गया हो या आपको कोई डाउट हो या आपको रिकमेंडेशन भी चाहिए हो, जस्ट ड्रॉप इन द क्वेश्चन और वट एवर यू हैव क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड एज यूजल वी ऑलवेज रिस्पॉन्ड एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू दैट। विल ट्राई टू हेल्प यू इन एनी वेज एज वी कुड, बिकॉज काफ़ी लोगों ने हमारी भी हेल्प करी थी इस मामले में। सो गाइज, दिस इज द एंटायर विंटर किट, दिस इज ऑल यू नीड। ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नए नए कनाडा में आए हो, वन किट इज गुड इनफ, उसके बाद आप ऐड करते रहना अपने किट लिस्ट में जैसा भी चाहो। राइट गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इन केस इफ यू नो समवन हु इज न्यू टू कनाडा एंड हु कुड बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, डू शेयर इट विद देम। थैंक यू सो मच। ये -60 का ट्राई करूँ मैं भाई साहब, -60 भाई कहाँ, तुम सर क्या अल्बर्टा में पहाड़ में चल रहे हो क्या, तुम बीमार भी होते हो भी पहले में। सेंड कर दी, तू को भेजो जितना है, 419, बट सेल में देखते हैं कितने का पड़ेगा। 419, लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे दिख नहीं रहा है। 419 डॉलर्स, क्योंकि दिस इज हैवी। लो जी, लाइक दिस वन, क्योंकि इसमें दो लेयर्स हैं, लाइक इट हैज टू लेयर्स, व्हिच इज परफेक्ट फॉर मी। वाटर प्रूफ का लिखा कहीं पे? आई थिंक इट इज, बट मैं पूछ लेती हूँ। बट अभी पहले फाइनल सेंस, पहले उनसे पूछने से पहले फाइनल कर लूँ। दिस इज 3x, बट लेयर्स भी आएंगे तो आई फाइंड 3x इज प्रीटी डीसेंट। 3XL या एडजस्टेबल है कि नहीं है।